अवैध ई रिक्शा पर चला बुलडोजर भारी मात्रा में ई रिक्शा को किया गया नेस्ताबूद। आप सभी का सबसे तेज खबर स्वास्थ्य चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर अवैध ई रिक्शा पर चला बुलडोजर। ई रिक्शा तोड़ते बुलडोजर की तस्वीरें मथुरा के गोवर्धन की हैं, जहां पुलिस और एआरटीओ की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मथुरा के गोवर्धन में भारी मात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध ई रिक्शा गिरिराज परिक्रमा मार्ग में प्रशासन और परिक्रमार्थी श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बने हुए थे। डीएम पुलकित खरे के आदेश पर पुलिस और एआरटीओ की टीम ने अवैध ई रिक्शा थाने में लाकर बुलडोजर से तोड़े। दरअसल मथुरा के गोवर्धन में श्रद्धालु भक्तों की सुविधा को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी न्यायालय ने गिरिराज परिक्रमा मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित करते हुए 400 ई रिक्शा चलाने के आदेश डीएम को दिए थे, लेकिन गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर 1000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे थे, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। डीएम पुलकित खरे के आदेश पर सीओ गोवर्धन व एआरटीओ मनोज कुमार वर्मा ने अभियान चलाकर अवैध ई रिक्शा कर पकड़कर थाने पहुंचाया, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सीओ राममोहन शर्मा ने बताया कि डीएम के आदेश पर अवैध ई रिक्शा पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। क्या मामला था? ट्रैफिक यातायात व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 400 ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर चिन्हित किए हैं। उनकी ड्रेस कोड, उनका नंबर अलग से लगाया गया है, उनके स्टैंड हैं। उसके अलावा अनधिकृत रूप से परिक्रमा में घुसकर भीड़ लगाने से जनता और परिक्रमार्थियों को दिक्कत आ रही है। ऐसे में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोग अनधिकृत रिक्शों को रोक रहे हैं और जिनके पास पेपर वेपर नहीं है उनको कटाई कर रहे हैं। आज कितने रिक्शा को काटा गया है? आज 4 रिक्शे काटे गए।